हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। ये आर्ट फॉर्म मैं पहले इससे पहले नहीं ट्राई किया हूँ, तो ये मेरे लिए भी नया है और ये मैं बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वेट किया था कि मैं इसे बनाऊँ एंड फाइनली मैं इस आर्ट फॉर्म को अटेम्प्ट किया है और इसे बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बनने के बाद मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो हम क्या बनाने वाले हैं, कौन सा नया आर्ट फॉर्म हम ट्राई करने वाले हैं आज के वीडियो में, ये तो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम DIY बना रहे हैं, इसके लिए मैंने ले ली है एक कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड का साइज़ एक स्क्वायर साइज है और चारों साइड से ये 30 सेंटीमीटर है। और इस कार्डबोर्ड को चारों साइड से मैं मास्किंग टेप्स लगा दे रही हूँ, ताकि हमारा जो साइड का जो उबड़ खाबड़ है वो थोड़ा क्लीन दिखे। और इसके बाद कार्डबोर्ड के ऊपर मैं कुछ आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्ले ले लिया है और इस क्ले को हमें रोल कर देना है, तो हम इस क्ले को पूरा पतला पतला रोल कर देंगे। और जो भी हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है, इस क्ले को हम उस आउटलाइन के ऊपर लगाते जाएंगे। तो जितने भी आउटलाइन हैं हम क्ले से डिजाइन बना देंगे। तो अब तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर लिप्पन आर्ट। तो लिप्पन आर्ट, जिसको कि इंग्लिश में मड मिरर आर्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली मिट्टी का यूज होता है, बट हम यहाँ पर क्ले यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर मिरर आर्टवर्क होता है, यानी कि हम बहुत सारे मिरर्स भी यूज़ करने वाले हैं एंड में। और लिप्पन आर्ट जो है, इसका ओरिजिन गुजरात से शुरू हुआ था ये, और ये बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है जो कि अभी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्ले लगाने के बाद इसे मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और जब क्ले ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसके ऊपर जेसो का एक कोट अप्लाई कर दिया। और जेसो का मैंने एक कोट अप्लाई किया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल से कुछ आउटलाइंस ड्रॉ कर ली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है वो आप देख के समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ जी का एक लिप्पन आर्ट बनाने वाले हैं। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अभी पेंटिंग की बारी है, और मैंने लिया है एक्रिलिक पेंट, और एक्रिलिक पेंट से जगन्नाथ जी का जो फेस है उसको हम पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी डिफरेंट कलर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि भगवान जी का जो फेस है, फेस के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। भगवान जगन्नाथ जी का जो फेस है, उनके फेस के हिसाब से हमें कलर कर देना है। बाकी जो हमने बाहर डिजाइन किया है उसमें हम अपने पसंद के जो भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस आर्ट फॉर्म को बनाने की सोचा। एक्चुअली ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, मैंने काफ़ी टाइम पहले सोच के रखा था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, एंड फाइनली मैं ये आर्ट बना रही हूँ। और लॉर्ड जगन्नाथ जी का मैंने कुछ सोचा बनाने के लिए, तो मुझे ये बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने जगन्नाथ जी का एक मंडला आर्ट बनाया था, जिसको कि आप लोग बहुत पसंद किए थे और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे उस वीडियो में मिला था। आई होप कि ये वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो मैंने ये शूट नहीं किया है क्योंकि मैंने बस कलरिंग किया है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, बस सिंपल जो जैसे हम कलरिंग करते हैं वैसे ही मैंने ये किया है, तो इसीलिए मैंने इसका शूट नहीं किया है। अगर शूट करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ये जो है, ये साइड में ऑरेंज कलर, और यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर यूज किया है, और यहाँ पर मैंने सी ब्लू या फिर लाइट ब्लू जो भी आप बोलते हैं तो वह कलर यूज किया है, और यहाँ पे डार्क ब्लू, और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर, वही लाइट ग्रीन कलर यूज किया है।
तो जगन्नाथ जी का जो फेस है उसको मैं कलर कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैं एक 000 साइज़ का ब्रश लिया है और जगन्नाथ जी का फेस में थोड़ा और डिटेलिंग में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा और हम उनके फेस को सजा देंगे। और यहाँ पर मैं एक वाइट मार्कर पेन भी यूज कर रही हूँ जिससे कि मुझे कलर करना थोड़ा और आसानी हो। क्या आपको पता है भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही अवतार है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर यात्रा करने जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में वो स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ यानी कि जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी जो है वो कभी अकेले नहीं होते हैं, आप उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को भी आप देखेंगे। और पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पर उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा और जगन्नाथ जी ये तीनों पूजा पाते हैं। और आपको पता है भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा में बहुत सारे नामों में पुकारा जाता है और पुराणों में भी इस धरती को यानी पुरी को वैकुंठ कहा जाता है और पुरी को भी बहुत सारे नाम में लोग जानते हैं जैसे कि श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, साख क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथ पुरी ऐसा भी कहा जाता है। और जगन्नाथ जी के चारों ओर हमने जो शंख बनाए हैं और लोटस बनाए हैं इसका मतलब आप जानते हैं? जैसे कि मैंने कहा भगवान जगन्नाथ जो है भगवान विष्णु का अवतार है तो भगवान विष्णु को हम चतुर्भुज भी कहते हैं। चतुर्भुज यानी फोर आर्म्स, चतुर्भुज का मतलब चतु यानी फोर, भुज मतलब आर्म यानी कि फोर आर्म्स। और भगवान विष्णु के एक हाथ में हम शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म और चौथे हाथ में हम गदा धारण करते हुए देखेंगे। तो मैंने जो आर्ट बनाया है इसी को ही सिंबलाइज कर रहा है और मैंने यहाँ पर शंख, चक्र, गदा, पद्म बनाया है। तो ये सब आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है आप यूज कर सकते हो। शंख को यहाँ पर मैंने वाइट कलर किया है क्योंकि शंख का कलर वाइट होता है और लोटस जो है वो तो वैसे ही पिंक कलर होता है तो मैंने पिंक कलर यूज किया है। और गदा जो है यहाँ पर मैंने येलो कलर यूज किया है और चक्र के लिए ब्लैक और रेड कलर यूज किया है। तो आपको जो भी कलर पसंद है आप उस हिसाब से इसको पेंट कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर लिप्पन आर्ट बना रहे हैं बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम मुझे कलरिंग में ही लगा है। मैंने आज तक जितना भी DIY बनाया है मुझे लगता है मेरा शायद ये वाला सबसे बड़ा था और मैंने आज तक कभी इतना कलरिंग भी किसी DIY में नहीं यूज किया है, नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है मेरा पेंटिंग इतना खास नहीं है। इससे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, मैंने बहुत टाइम लेके इसको बनाया है। वैसे इसको बनाने में मुझे आई थिंक एक हफ्ता मैंने लिया है और एक हफ्ते में मेरा 5-6 दिन तो कलरिंग में ही चला गया था। तो हमने जो यहाँ पर कलरिंग किया है बहुत सारे डिटेलिंग मैंने ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 000 साइज़ का ब्रश ही यूज किया है क्योंकि बहुत सारे डिटेलिंग आर्टवर्क यहाँ पर था। और जितने भी हमने क्ले आर्टवर्क किया है उसको मैंने वाइट कलर किया है। और जब हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब जितना भी कलरिंग पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो पेंटिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। और अगर डस्ट भी लगेगा तो हम इसको बाद में साफ भी कर सकते हैं। और वार्निश अप्लाई करने से पेंटिंग के ऊपर एक शाइनिंग इफ़ेक्ट भी आ जाती है जिसके वजह से पेंटिंग देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसके ऊपर मिरर आर्टवर्क करना स्टार्ट कर देंगे।
तो आपको मिरर जिस हिसाब से आपको सही लगता है, जैसा भी पसंद है, आप उस तरह से डिजाइन बना सकते हैं, उस हिसाब से मिरर को प्लेस कर सकते हैं। तो ये आर्ट फॉर्म अभी सभी बना रहे हैं और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इस आर्ट फॉर्म को। तो जो लोग प्रोफेशनली इसे कर रहे हैं, मेनली इसको MDF बोर्ड में करते हैं, बट मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बना रही थी तो इसीलिए मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। बट ये कार्डबोर्ड भी मैंने जो लिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला कार्डबोर्ड था, तो इसीलिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया था। बट आप इसके जगह MDF बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो बस ये था आज का हमारा DIY, और मैं अभी इस पे मिरर वगैरह लगा रही हूँ और इसके बाद हम देखेंगे इसका फाइनल लुक, ये फाइनली कैसा दिख रहा है। जो वीडियो था आप सबको पसंद आई होगी। मुझे तो ये DIY बहुत अच्छा लगा। मैंने आज तक जितना भी DIY बनाया है उनमें से ये मेरा सबसे पसंदीदा मैं कह सकती हूँ। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बट टिल देन बाय बाय।